चार दिन में चड्डी की क्या हालत हो जाती है, बदबू तो मारती है। डिपेंड करता है कि कितनी टट्टी कर रहे हो आप। अगर एक ही बार कर रहे हो तो ठीक है यार, पर ज्यादा पता नहीं चलता। पर अगर आप दो दो बार टट्टियां जा रहे हो तो यानी कि हफ्ते की 16 टट्टियां हो गई है। देख क्या हमारी बातों में टट्टियां कितनी आ जाती है यार। मुझे आभास हुआ कि मेरी बंदी ना नोटिस कर रही है चीज कि जहाँ पे भी मैं चड्डी सुधार रहा हूँ वहाँ पे नहीं मिल रही। हमारा नमस्ते करने का एवोल्यूशन कितना होता जा रहा है। अभी तक पैरों पे ही है, तलवों तक ही है, फिर उसके बाद घुटनों पे आने लग गए। धीरे 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 करते कोई अंकल बोलेगा लोड़ाई पकड़ लेना मेरा, नमस्ते भी क्यों कर रहा है। मेरे को सबसे ज्यादा इरिटेट पता है कौन से लोग करते हैं। अब क्या कितना अजीब लगेगा यार, मैं किसी जाके पूछूं भाई एक बार बता हम उस दिन मिले थे क्या बढ़िया लगा तुझे मेरे बारे में। अगर गलती से हो तो फिर कैसे होएगा कि मैं तुझे बता रहा हूँ कि भाई तुमने ये बात पसंद नहीं आ रही मुझे। नहीं तू इतना बोल रहा है मुझे पसंद नहीं आ रहा, अब वो अगली पार्टी में चुपचाप बैठा। ये जो सिम्पसन प्रेडिक्शन आती है साली, एज ए ह्यूमन, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ सिविलाइजेशन, एज अ स्पीसीज, हमारा पर्पस क्या है? क्या है हमारा पर्पस? कोई पर्पस नहीं है, वी आर जस्ट अ फकिंग कोइंसिडेंस। सुपर इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि वो एक टाइम पे 75 टास्क 75 तरीकों से 75 बार कर सकती है। हम एक टाइम में एक टास्क एक बार एक ही तरीके से कर सकते हैं। अल्ट्रॉन था, वो पैदा हुआ एवेंजर्स में, उसने 5 मिनट पूरी 5 मिनट उसने इंटरनेट पढ़ा एंड देन ही वाज लाइक मार चुदा ह्यूमैनिटी, ये इनकी वजह से ही हुआ। यही है क्योंकि मेरा क्या है कि मेरा थोड़ा साइंस में, मेरा थियोरेटिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट इन द सेंस कि मेरे को मेरा तेरी बातों में मेरे को ना जानना ब्लश कर रही हेलो एवरीवन क्या करते हैं वो जब साथ में बोलते हैं तो सेम पिंच और कुछ और भी बोलते हैं, जिंक्स ऐसे कुछ बोलते हैं ना, जिंक्स हो गया। ओके गाइस हेलो वेलकम, वी आर बैक एट वी एट व्हाट एट व्हाट वी डू द बेस्ट प्रोबेबली। बट देखा जाए तो हम बहुत इंप्रूव कर चुके हैं पहले से, है ना? क्या ऐसा मतलब कि पॉडकास्ट में मेरे को मेरे में लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी भी। चंद चला रही है रास्ते में, इस एपिसोड में आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर अगले में तो पक्का ही आएगी। क्या होता है कि जब क्रिटिसिज्म ऐसा है कि हम आपस में एक दूसरे को कितना ही रिमाइंड करा ले चीज़ों को, बट एक ऑडियंस का जो वो एक वो होता है ना क्रिटिसिज्म या पॉइंट ऑफ व्यू या एक छोटा सा जो उनका वो ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि वो फॉरेन पर्सपेक्टिव ज़रूरी होता है। हम तो एक दूसरे को जानते हैं तो हम वही चीज़ें नोटिस करते हैं जो हम एक दूसरे में देख सक रहे हैं और फिर वो परसीव कैसे कर रहे हैं इससे काफ़ी ज़्यादा। हाँ कि वो कैसा जा रहा है यार, मतलब आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे हमें हमेशा फोकस करना चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं उसका वही मीनिंग निकल के सामने वाले को समझ में आना चाहिए। जो हम कैसे मरा मरा से नहीं हो जाता मैं कभी कभी? नहीं ठीक है, हमेशा थोड़ी ऐसे एनर्जी में रहूँगा मैं। कभी कभी जेन्युइनली जैसे पॉडकास्ट होते हैं वैसे भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। लो से एकदम से बात कर रहे हैं बस बस कुछ नहीं गाइस, कॉफी रखी हुई है। मैं तुम्हें एंथुसियास्टिकली जवाब देता हूँ मैं करूँगा। हमारा ना बैरिंगर ख़राब हो गया था, बैरिंगर हमारा ऑडियो इंटरफेस है जिसमें हमारी ऑडियो रिकॉर्ड होती है। तो उसमें दिख रहा होगा कैमरे में, यहाँ पे लिखा हुआ है वो जो वायर दिख रही है उसमें जो कनेक्ट हो रखी है वो लूज़ हो गई थी, उसमें कोई माल फंक्शन हो गया था तो हमें पता नहीं चल पा रहा था कि रिकॉर्ड करते वक्त वो अपने आप डिसकनेक्ट हो रही थी एंड वी कुड नॉट रियलाइज कि वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है और हमारे तीन एपिसोड हाँ इस तरह ख़राब हो गए। ख़राब क्या हुआ मतलब कि रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑडियो नहीं आ रही है हाँ। लास्ट में ये सब जो यार जीवन में हमारे भाई साहब सही में सोई सो वत सुधी तो कौन। तेरा नहाने का रूटीन क्या है अभी फिलहाल करंटली? नहाने का रूटीन या रिचुअल कुछ है तेरे पास? रिचुअल नहीं है, मतलब सर्दियों में मेरा ऐसा है कि हर दूसरे दिन नहाता हूँ मैं सर्दियों में। मेरा कभी कभी फेस मेरे फेस चलते रहते, कभी कभी मैं डेली नहाता हूं। तो ऑब्वियसली रोज शाम को सुबह सर, गर्मियों में शाम को और सर्दियों में सुबह, मैं दोनों टाइम शाम को। मैं तो मतलब अभी भी शाम को ही नहा पा रहा हूँ क्योंकि फिर ऐसा रहता है कि काम पैक करके जैसे अगर शाम को 6-7 बजे मैं फ्री हो गया तो फिर मैं आराम से नहा करके फिर मैं बैठता हूँ और खाना वाना खा के आराम से लेटता हूँ क्योंकि फिर वो ऐसा फ्रेश बेड पे जाते वक्त फ्रेश फील होना चाहिए। फ्रेश फील होना चाहिए, मेरा भी यही लॉजिक है कि जब मैं लेट हूँ ना रात को तो मस्त एकदम साफ साफ, चाहे सुबह जैसे मर्जी उठो सुबह जैसे मर्जी काम रिज्यूम करो पर रात में मेरे को जाते हुए बेड पे जेन्युइनली जैसे तेरा भी है। और फिर मेरा एक और रीज़न है कि सुबह ऑफिस जाना होता तो नहाना नहीं पड़ेगा, उठते ही कपड़े चेंज करो, मुंह पे पानी मारो और थोड़ा सा करो हागो और फिर गया। यस बाकी हाँ कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो शायद 2-3 दिन डिले हो गया है पर इससे ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ। इतना डिले किया तूने? मैंने ऐसे तो मैंने 7-8 दिन भी डिले किया हुआ है।
गर्मियों में सर्दियों में, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी मैंने 7-8 दिन तो बहुत, पर हाँ मैंने चड्डी चेंज की थी जस्ट मतलब हर दूसरे दिन मैंने चड्डी चेंज की, मैं बस बता रहा हूँ। जब मैं मैक में हम नाइटी लगाते थे तो मैं 8 दिन वहीं था। 8 दिन तक एक को अच्छी पहनी तूने? 2। अच्छा, हर तीसरे दिन बदल ली। 4 दिन में चड्डी की क्या हालत हो जाती है? बदबू तो मारती है। डिपेंड करता है कि कितनी टट्टी कर रहे हो आप। अगर एक ही बार कर रहे हो तो ठीक है यार, पर ज्यादा पता नहीं चलता। पर अगर आप 2-2 बार टट्टियां जा रहे हो तो यानी कि हफ्ते की 16 टट्टियां हो गई है। तो फिर क्या, हमारी बातों में टट्टियां कितनी आ जाती है ना यार। तू नहीं पूछा स्केड्यूल कि वही चड्डी में कितना हो जाता है, तो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से। मेरा तो ऐसा है कि ये बता, ये बता चड्डी टाइट कब होती है? बॉयज विल नो। टाइट मतलब टाइट एकदम हार्ड, अगड़ अगड़ अगड़ती होवे जब वो ढंग से धुलती नहीं है। धुलती नहीं है। और एक और रीजन, मैंने ना एक बारी, मैं एक बारी एक ऐसी डिस्कशन बोर्ड पे था, आपने वो रेडिट भी नहीं था, वो कोई और डिस्कशन बोर्ड था, तो उसमें वो बता रहा था कि एक लड़के की उसने हाल ही में लिव इन में रहना शुरू किया है, एंड वो लड़की जो थी, वैसे तो वो बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था उसका, पर शी वॉज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड इन वे कि गंदा मतलब गीला टॉवल बेड पे नहीं रखना है और कहीं पे भी कपड़े नहीं सुखाने, जैसे हम बाहर से हम अपना निकल के तौलिया गेट पे टांग देते हैं, ये सब चीज़ों में थोड़ी बेड रख देते कि बाद में थोड़ी देर में जब उठा लूंगा, अभी कपड़े पहन लूंगा तो उठा लूंगा, तो इन चीज़ों में बहुत ही नीटपिकी थी। तो उसने ऐसे लिखा हुआ था कि हाल ही में ऐसा हुआ है कि उसने नोटिस कर लिया है कि मैं जो मेरी चड्डी है मैं रोज़ाना नहीं धोता हूँ, जैसे अगर मैंने अभी आज नहाया मैं तो मैंने वो चड्डी बस ऐसे पानी में छपका मार के और निचोड़ के और सुखा दी। तो और यही बात सही भी है भाई कि मतलब कि कितना कन्वीनियंट है, अनहाइजीनिक है थोड़ा, साफ नहीं होता पर फिर हाँ। भी तो देखा जाए तो पानी में निकल रही है, जिकल रही है एक बार। तो उसने क्या किया, उसने ऐसा किया, तो उसकी कार का उसकी तो कारतानी सुर तो कारिस्तानी हाँ वही भाई कारतानी। तो उसने क्या किया भाई ने, वो इतना अच्छा डिटेल से उसने बताया कि मुझे आभास हुआ कि मेरी बंदी ना नोटिस कर रही है चीज़, क्योंकि वो कह रहा था कि जहाँ पे भी मैं चड्डी सुखा रहा हूँ वहाँ पे नहीं मिल रही मुझे। तो उसने नोटिस किया होगा कि हाँ भाई। तो अगले हफ्ते उसने क्या किया, उसने साबुन से धोना स्टार्ट नहीं किया, उसने गर्म पानी में डुबाना स्टार्ट कर दिया अपनी चड्डी। क्यों? फॉर सम रीजन ही बिलीव्ड कि गर्म पानी में अगर डुबाऊंगा मैं तो ज्यादा अच्छे से साफ होगी। तो उसने 2 हफ्ते तक ये किया। तीसरे हफ्ते उसकी बंदी ने नोटिस किया कि जो चड्डी है जैसे तू बता रहा है कि वो अकड़ रही है, तो वो अकड़नी स्टार्ट हुई होगी। तो फॉर सम मिसहैपनिंग रीजंस ही कुड नॉट एबल टू, ही वाज नॉट एबल टू वॉश द चड्डिया प्रॉपरली इन द वॉशिंग मशीन। चड्डी वॉशिंग मशीन में अच्छे से धो पाया? उसका यूजुअल ये था कि वो हफ्ते में एक ही बार चड्डी वॉशिंग मशीन में धोता था और बाकी टाइम में पानी में निकाल रहा है। अब गर्म पानी में निकाल रहा है और उस हफ्ते उसने वॉशिंग मशीन में भी नहीं करी वो। तो फिर वो चड्डी थोड़ी, तो एक दिन कहता कि वो मैं ऑफिस से आया एंड देन शी वाज लाइक कि कुछ बात करनी है, तो उसे लगा कि चड्डी आ गई लगता है। नहीं, उसे लगा पता नहीं हो। अच्छा, ऐसे ही नॉर्मल की कुछ बात। तो भाई कहता कि मैं आकर के बस अपना जूस पी रहा था एंड वी वर सिटिंग ऑन अ टेबल, डाइनिंग टेबल पे हम बैठे हुए। मैंने कहा भाई बढ़िया घर ले रखा तू तो, डाइनिंग टेबल पे बैठा तू तो। तो कहती उसने ऐसे ऐसे स्टार्ट किया कि यार देखो बुरा मत मानना तुम, बट मैंने ऐसा नोटिस किया है कि तुम अपना अंडरवेयर जो है धोते नहीं अच्छे से, तो वो लड़का ने लिखा कि मेरा पहला रिस्पांस तो ये था तुझसे तो नहीं दिलवा रहा ना। बट क्योंकि वो मजाक में बोला उसने भी, बट तो फिर उसने मतलब ही हैड टू लिटरली एक्सप्लेन की एंड देन इम्प्रूव अपॉन कि हाँ आई विल डू वर्क ऑन दिस। तो वो कहता गाइस अब मैं अपनी चड्डी हर तीसरे दिन वॉशिंग मशीन में धोता हूँ, मेरे पास 4 चड्डियाँ हैं अब 6 है। तो मतलब वो डिपेंड करता है कि हर एक का क्या लेवल ऑफ वो है, जैसे मैंने तुमको बताया ना अगर दिन में एक बार पॉटी जा रहे हो आप या वॉशरूम जा रहे हो आप तो वो इतना पता नहीं चलता, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह उसको हैंडल कर रहे हो। पर अगर आप दिन में 2 बार टट्टी जा रहे हो या 2 बार से ज़्यादा जा रहे हो तो फिर वो तो समझ रहा है कि वो अपने आप में माइंड में ऐसा रहता है यार मेरे तो रहता है, बिल्कुल रहता है। और फिर इसमें मैं एक बार सोच रहा था कि फॉरेनर्स बस ये यहीं सही है क्योंकि चट्टी लगी ही नहीं हो रही, मतलब जो बाहर वो तो टिश्यू पेपर से साफ कर रहे हैं ना। नहीं पर वो तो और भी वर्स है ना थोड़ा। हाँ बस मतलब कि वही एक पॉजिटिव है, बाद में फिर इतने सारे फैक्टर सोचो कि यार एक महक सी आ रही होगी। हाँ वही हमें नहीं आ रही पर फिर भी और कुछ अपनी चूरन पूरन सा रह जाए है ना। एग्जैक्टली माय पॉइंट, उसमें चड्डी अकड़ने के ज्यादा चांसेस हैं।
वेलकम टू टट्टी पॉडकास्ट। घूम फिर के आ रहे हैं भाई, हम घूम तू ही नहीं उठाया भाई ये टॉपिक। अबे भाई कुछ और उठा लेता तो मैं कुछ और, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ये बात करने में, ऑडियंस को प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ी। ऑडियंस को भी प्रॉब्लम नहीं है शायद, मतलब उन्हें ऐसे खुले में महक आना और चूरन रह जाना, आई गेस दीज आर नॉट वेरी काइंड वर्ड्स ना। सही है, आप सबका कम्फर्ट लेवल है साला। हाँ वो अलग बात है, मैं कुछ भी बोल दूँ उस पर तू कितनी बात कर सकता है ना उस पर। हाँ बात करने मैं बात कर सकता हूँ। आई थिंक प्रॉब्लम ये हो जाती है लोगों की कितनी डिटेल में हम बात कर लेते हैं। ठीक है 5 मिनट बात कर ले भाई, तू 25 मिनट यही से बात कर रहा है यार। तो फिर वो मुझे ऐसा लगता है, हाँ नहीं कि हम कि फिर मुझे ऐसा लगने लगता है कि यार ये सही कह रहे हैं यार, हम तो कुछ भी बात कर रहे हैं यार, कुछ ढंग का बता ही नहीं रहे अपनी ऑडियंस को हम। और फिर मैं ये सोचता हूँ कि हम में से एक ऑडियंस में बैठा होगा जिसकी चड्डी ऐसी होगी। कई सारे होंगे भाई, ऐसे जज नहीं कर पाऊंगा मैं, बट हाँ। तो तू क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि मैं एक चीज़ सोच रहा था कि हमारा नमस्ते करने का एवोल्यूशन कितना होता जा रहा है, कि पहले लेट के मत्था टेकते थे, फिर झुक के करने लगे, मतलब कि बैठ के ऐसे छूने लगे, फिर खड़े खड़े मतलब आधे घुटनों पे आए, फिर ऊपर खड़े होने लग गए, अभी तक पैरों पे ही है, तलवों तक ही है, फिर उसके बाद घुटनों पे आने लग गए, धीरे 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 करते कोई अंकल बोलेगा लोढ़ाई पकड़ लेना मेरा, नमस्ते भी क्यों कर रहा है। तुझे बोला है क्या किसी ने? नहीं ऐसा मैं बोलूंगा क्योंकि मेरे टाइम तक ऐसा हो जाएगा ना, अंकल नमस्ते मैं कब है। तो तू नमस्ते चाहता है बस बुढ़ापे में, अच्छी नमस्ते। अच्छी नमस्ते, ये लाइफ गोल है तेरा, कि साला जो भी करे नमस्ते पर लौटे सीधा क्यों लेट जाए अब। सही तू क्या चाहता अपने बुढ़ापे से, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ योर बुढ़ापा? मैं क्या चाहता हूँ अपने बुढ़ापे से, पता नहीं यार, मैं शांति में जीना चाहता हूँ। तो बुढ़ापे में शांति में रहते हैं, बुढ़ा तो अकेला पड़ा रहेगा, मतलब आई कैन फोरसी द सिंपल फ्यूचर जहाँ पे मुझे पता है कि मेरे को खड़ूस बुढ़ा बोला जाएगा। मैं एकदम चिल बुढ़ा बनूंगा, क्योंकि सब ऐसा ही सोचते हैं भाई मेरे ख्याल से तो, कि सब चिल बुढ़े बनेंगे। हाँ, पर ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है, तुम जैसे अभी हो साले तू चूतर से वैसे ही रहोगे बुढ़ापे में। आप आदमी तो वही रहता है ना, आदमी तो वही रहेगा भाई, चिल क्या अभी चिल लिया तो आदमी भी चिल नहीं रहेगा, आदमी तो वही रहेगा, जो तुम्हें चीजें आज परेशान करती है वही सेम चीजें तुम्हें 15 साल 20 साल बाद भी परेशान करेंगी। तुझे किसी इंसान में सबसे ज्यादा चीज क्या इरिटेट करती है? किसी भी इंसान में, मतलब कि तुझे मतलब कि किसी भी एक पर्सन में सबसे ज्यादा इरिटेट क्या चीज करती है? इरिटेशन यार, ये बस ये टॉलरेट करना पड़ा, मगर टोक दो बस इसे। वैसे तो बहुत चीजें हैं यार, बता 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 बता। मतलब मुझे जैसे अगर मैं कॉमन ग्रुप में ही ले ले तो, कॉमन ग्रुप में अगर हम बैठे हैं, मैं किसी से मिला हूँ पहली बार, तो वो जो वो वाले नहीं लड़के होते हैं और जो ऐसे अपनी शौशा और अपने अरे भाई मैंने तो ये किया था, अरे भाई मैं तो एक बार मैं वहाँ गया था, एक बार मैं यहाँ गया था, उनसे जो भी बात कर लो उन्होंने सब किया हुआ है और सब में उनका बहुत लंबा पार्ट है बोलने का। हाँ कि जब वो उस बात पे बोल रहा था बहुत लंबा बोल रहा, सुनी नहीं रहा है। नहीं तू, मैं कह रहा हूँ तू चाय बनाने की बात उठा ले, उसने चाय भी बनाई हुई है। तू मिसाइल बनाने की बात कर ले, उसने मिसाइल भी बनाई हुई है। अरे भाई एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। अरे भाई कुछ तो छोड़ दे भाई पृथ्वी के लिए, बहुत जिंदगी बची है भाई तेरे पास। और मुझे वो और वो इरिटेटिंग भी नहीं है, वो हैरानियत है मेरी भाई, दीदी ये आदमी हर एक टॉपिक पे बात कर रहा है यार, पका देते हैं ऐसे आदमी, इसके पास हर एक चीज के लिए एक्सपीरियंस है, पका देते हैं ऐसे आदमी। मैं अब अपने आप को सोच रहा हूँ कि भाई मैंने क्या किया अपनी जिंदगी में। अरे नहीं, इरिटेशन यहाँ होती है कि वो बोले जा रहा और हम चुपचाप सुनने जा रहे हैं, और फिर जब ऐसा टू वे कम्युनिकेशन है ही नहीं साला, कोई टू वे कम्युनिकेशन नहीं है और 6 लोग बैठे हैं, अब वो 6 लोग 6 में से 5 एक ही बंदे ही बात सुन रहे हैं, देयर इज नो फीडबैक लूप। मेरे को सबसे ज्यादा इरिटेट पता है कौन से लोग करते हैं, कि अब मैंने बता रखा है कि जैसे कोई भी सामान लेना है मुझे, तो कोई कोई सामान पर राय ली जाती है लोगों की, ठीक है, तो जब तो राय ले ली मैंने, अब राय लेके मैंने अपनी मर्जी से एक चीज़ ले ली, अब वो जो चीज़ आ गई और वो देख रहे हैं, वाह भाई यार वहाँ से सस्ता मिल जाता, वाह भाई यार ये तो बढ़िया नहीं है, इससे बढ़िया तो वो ले लेता, ऐसे लोग मैं कहा भैंस के साले, जब तुम्हें तुझसे पूछ रहा था। ऐसे मुझे दुकानदार पसंद नहीं है, देखे कुछ ऐसे दुकानदार होते जिनकी आप दुकान पर कुछ लेने जाओ और फिर वो बोलो कि उनको कहोगी भैया ऑप्शन दिखाओ, तो वो कहते हैं नहीं वो वाला आप लोगे नहीं, वो ज़्यादा बजट का। अरे तो दिखा तो सही भाई, तो दिखा तो सही भाई, उनको तो मन करता गाली देने का, पर क्या करे, वो बोलेगा तो दिखा दो तो ले लो, वो फिर ईगो में गलती से ले लिया तो ला यार बाहर निकलती दुकान से यार चूतिया। नहीं नहीं पर अरे तुम्हारा काम है दिखाना, तुम ऑटोमेटिकली कैसे जज कर रहे हो कि तुम्हारा कस्टमर ठीक है, तूने भाई बहुत दुकानदारी करी है, तूने भांप लिया लोगों को, पर नहीं मैं नहीं हूँ वो,
नहीं हमें पता है, नहीं अगर हम गरीब भी है तो हमें पता है हम गरीब है, हाँ। हो सके ठीक है, तो हम देख 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 ही देखे ना, तो पता क्यों रहा है मुझे, हम देखे ना कि वो महंगा चीज कैसी होती, क्या पता हम ले ले आगे चल के कि हाँ भाई अबकी बार नहीं ले पा रहा, अगली बार आकर के लूंगा जरूर। भाई यार ऐसा डिमीनिंग सा फील होता है यार, दिल से दुख होता है मतलब इरिटेट, दोबारा मन नहीं करता मैं उसकी दुकान पे चले जाऊं कुछ लेने, यार ये एक स्टेशनरी दुकान कट जाती है यहीं से, यहाँ नहीं जाऊंगा दोबारा। और ये ईगो सेटिस्फाई करती है हमारा भाई, यही है हमारे पास, और क्या करेंगे हम, मजबूरी में जाते भी और कभी कभी जब वो एक ऑप्शन रहता है, बाकी तो ऐसे तो मत ना, इस तरह तो बहुत सारी चीजें भाई जो मेरे को हो सकता है मैं भी कुछ ऐसी चीजें करता हूँ, बट क्यों, क्योंकि फीडबैक लूप ऐसा है ही नहीं कि मतलब अब क्या कितना अजीब लगेगा यार मैं किसी जाके पूछूं भाई एक बार बता हम उस दिन मिले थे क्या बढ़िया लगा तुझे मेरे बारे में तू समझ रहा है, अगर मैं जेन्युइनली जानना भी चाहूं तो वो ये क्या बेकार आदमी है भाई, क्या साइको आदमी है भाई, पर अगर ऐसे बता भी दे मतलब चल इमेजिन कर लेते कि ऐसा फीडबैक लूप हो, ऐसा है नहीं बिल्कुल भी, नहीं हो सकता, और अगर गलती से हो तो फिर कैसे होएगा कि मैं तुझे बता रहा हूँ कि भाई तुमने ये बात पसंद नहीं आ रही मुझे, इतना बोल रहा है बताओ नहीं तू इतना बोल रहा है मुझे पसंद नहीं आ रहा, अब वो अगली पार्टी में चुपचाप ही बैठा है, नहीं अगर उसकी ईगो पे लगेगी तो वो लड़ेगा वहाँ बैठ के, तो कह रहा लड़े मैं चुप, नहीं मैं ये नहीं कह रहा लड़ो, पर मैं कह रहा हूँ कि सबका ऐसा नहीं होता ना समझने का पारा जितना शायद मेरा है या जितना तुम्हारा है, तो वो चीज ज्यादा मैटर करती है उस टाइम पे, हम क्या करते हैं उस टाइम पे, हम मजाक मजाक में बोल देते हैं, हम भी ऐसे हैं कि भाई पॉइंट तो अक्रॉस जाना चाहिए, कैसे ही जाए चाहे कैसे ही जाए मजाक में जाए, हाँ और फिर मजाक में सही है कि नहीं मैं इतना बोदर्ड नहीं हूँ, हाँ अगर तुम मजाक में बोल देते हो, थोड़ा नोज पे जा रहा है मेरी, हाँ मैं मजाक में बोल देता हूँ कि सब कुछ बोल देना चाहिए, मैं भी पर्सनली ऐसा बिलीव करता हूँ कि इतना भी वो नहीं होना चाहिए लोगों को, हाँ। कि आप कुछ अगर कोई कल को मेरे को आके कुछ बोलेगा तो मैं बिल्कुल सुनूंगा भाई, हाँ। अरे यार तेरा बोलना पसंद नहीं आ रहा मुझे, हाँ। तुम डायरेक्टली ऐसे ही बोल दे मुझे, ये नहीं लग रही मजाक में, तो मैं पता है कैसे बोलूंगा फिर उसको, तो ठीक है भाई तुम इससे बात मत करो भाई, जब तुझे नहीं पसंद आ रहा फिलहाल तो मैं बस फीडबैक ले सकता हूँ तेरा, पर अगर तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं कोई जवाब ही ना दूं, सिर्फ मैं ये सुन लूं कि तेरा बोलना ही पसंद नहीं आ रहा, फिर इतना भी बहुत होता है कि अगर तुमने बस पॉइंट अक्रॉस रख दिया, हाँ फिर तो अब क्या है कि तूने भी एक्नोलेज करेगा, तूने भी एक्नोलेज करेगा, तुम्हें जैसे रहना वैसे रह लो, ऐसा होता है ना कि वो थोड़ा पुश बैक कर लेगा कभी कि वो थोड़ा सुन मत जाएगा तभी तू समझेगा, मतलब मेरा ऐसा कि मैं तो खुद ही इतना कंसिडरेट हूँ, मानता हूँ अपने आप को, मानता कि मैं कोशिश भी करता हूँ कि सामने वाले को ऐसा ना फील हुए कि भाई आउटसाइडर या फिर पागलपना, मतलब उसके पॉइंट्स रखे जाए, मेरे मुंह में भी घुसा दे इसे, अबे यार रख लेना मेरे सामने ही है वेंटे किधर भी, अरे यार पता नहीं यार एको एको पैरानोइड रहने लग गया भाई पैरानोइड गया यार, पैरानोइड है भाई, मतलब ऐसा रिपोर्ट क्रिएट होना चाहिए आपके बीच में कि आपको ऐसा ना फील हो कि वो ये नहीं चाह रहा कि तुम उसके साथ ना हो, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि उसके साथ ऐसा फीलिंग आए कि वो अपने आप डिसरिस्पेक्ट या किसी उस तरीके से बोल रहा है कि मतलब मेरे को बुरा ना लगे, बस मुझे वो समझा नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को, हाँ जब तुम बता रहे हो तो सामने वाले को ऐसा ना लगे कि पर्सनली टारगेट करके बोल रहा हूँ या मैं कुछ टॉन्ट मारने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं कुछ चार लोगों के सामने अगर मैं टोक रहा हूँ किसी को तो यार वो तू समझ रहा ना चार लोगों के सामने कैसा जाता है वो, तो जब आप कॉन्शियस हो जाते हो तो वो ऐसा नहीं फील होना चाहिए, अगर वो तब तक वहाँ तक ठीक है तो मैं तुम्हारा फीडबैक बिल्कुल लूँगा और अगली बार मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, पर अगर तुम्हारा भी चार लोगों के सामने बैठ करके बात करने के तरीके में वो लहजा नहीं है तो फिर मैं क्यों सुनूंगा यार तुम्हारी बात, अच्छा कि वही फिर वो वाइब की बात है कि हाँ ये तो सिम्पसन प्रिडिक्शन आती है साली, सच नहीं है वो, देयर जस्ट अ कोइंसिडेंस, और क्या दुनिया भर के इतने मतलब उन्होंने दुनिया भर के उन्होंने अपने दुनिया भर के एपिसोड्स में हजार प्रिडिक्शंस करे उनमें से पांच सही हो गए हैं, तो लोग सोच रहे हैं अरे देखो फ्यूचर बता रहे चूतिया, उन्होंने हजारों प्रेडिक्शंस किए हैं, जाकर के जिस जिसने शो देखा है सबको पता है, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट अब मैं ऐसे रेफरेंस पॉइंट तो नहीं ले पाऊंगा यार क्योंकि मैंने पूरा सिम्पसन नहीं देखा है, नहीं मैंने भी देखा, बट आई एम डैम श्योर कि जितने भी उन्होंने प्रेडिक्शंस किए हैं दे वेरी इजी टू प्रेडिक्ट योर सेल्फ, नहीं मतलब कि हाँ बिल्कुल मैं इस पे मैं भी तेरी साइड हूँ कि एकदम कोइंसिडेंस है, बट अगर देखा जाए अगर सोचा जाए दूसरे तरीके से क्या ये सच भी हो सकता है, नहीं इट्स क्या हम सिमुलेशन में या फिर क्या हम आई पर्सनली बिलीव कि ये सिमुलेशन थ्योरी इज द वर्स्ट थ्योरी टू हैव एवर एग्जिस्ट, सिमुलेशन थ्योरी बता दियो
वही कि मतलब हम ये दुनिया रियल नहीं है एंड वी आर जस्ट अ सिमुलेशन एंड हमें बस एक टेस्ट हैं फॉर सम अदर स्पीसीज एंड वी देर जस्ट इन्जॉइंग अस परफॉर्म वट एवर वी आर डूइंग बेसिकली वी आर एनपीसीज वी आर लाइक अ वीडियो गेम उन्होंने डिजाइन करी है एंड देर जस्ट ऑब्जर्विंग अस ये भी मजे कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर हमारा इंटरेक्शन हमारा किस हद तक हम गिर सकते हैं किस हद तक हम जा सकते हैं ऐसा कि जैसे चूहे हम डब्बे में डाल देते हैं फिर उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं वो गिनी पिग एक्सपेरिमेंट से करेगा एक तरह का एक्सपेरिमेंट है बेसिकली जैसे जैसे ये तेरी स्ट्रिंग थ्योरी है और ये हमारा सिमुलेशन थ्योरी है या हमारा फर्मी पैराडॉक्स है तो ये अलग अलग एक्सप्लेनेशन है कि हमारा पर्पस क्या है इनका इन सभी थ्योरीज का जानने का जो क्रक्स है कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ या हम क्यों इन का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हाँ, क्या, कि क्या पर्पस क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग एज अ सिविलाइजेशन एज अ स्पीसीज हमारा पर्पस क्या है क्या है हमारा पर्पस कोई पर्पस नहीं है वी आर जस्ट अ फकिंग कोइंसिडेंस कोई पर्पस नहीं है हमारा वी आर जस्ट हाँ वी आर अ बिलियन टू अ मिलियन टू जितनी भी बड़ी इन्फिनिटी सोच सकता है उस इन्फिनिटी में एक कोइंसिडेंस है What a lovely coincidence. हाँ अब तो ऐसे देख ले अल्टीमेटली हमारा सिर्फ एक ही पर्पस है दैट इज टू मल्टीप्लाई बढ़ते जाओ बढ़ते चलो अल्टीमेटली अगर तू थियोरेटिकली तू अगर इसको प्रैक्टिकली भी देखेगा क्योंकि यही पर्पस है हमारा जितना हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हम आगे जाएंगे पर्पस हमारा यही है इस टाइम बाकी तो फिर तू कुछ भी इंक्लूड कर ले यार मैं उस दिन भी तेरे को बता रहा था हर एक की अपनी थ्योरीज हैं हर एक के अपने वो हैं पर मतलब ये बहुत ही तगड़ा फिलोसफिकल आर्गुमेंट इस इन सेंस में है कि जेन्युइनली और ये इस पे भी तो फिर इफेक्ट करता है ना कि जेन्युइनली गॉड है या नहीं है भगवान ही जाने भाई भगवान ही जाने मैं उस दिन ना बैठा हुआ सोच रहा था पता नहीं उस दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था AI के बारे में ही पढ़ रहा था मैं प्रतीक जो मोस्ट एडवांस से भी एडवांस AI है ना उस AI की कॉम्पिटिशनल पावर समझता है तो किसी भी चीज़ की कॉम्पिटिशनल पावर कि मतलब वो कितने टास्क कितनी एफिशिएंसी अच्छा, कितनी देर में कर देता है नहीं नहीं कितनी रिसोर्सेज उसको चाहिए वो जो उसकी कॉम्पिटिशनल पावर है वो कितनी है जो उसको चाहिए अपने टास्क ऑप्टिमली परफॉर्म करने के लिए जैसे एक सॉफ्टवेयर 4GB रैम चाहिए होती है ऐसा आसान शब्दों में मुझे नाम नहीं याद आ रहा है एक कंपनी है उसने ग्राफिक कार्ड बनाया वो ग्राफिक कार्ड दुनिया का सबसे पावरफुल ग्राफिक कार्ड है उसका नाम कुछ GS200 है उसी का काउंटर पार्ट है GS200 जो NVIDIA ने बनाया GTX ये GTX है उसका काउंटर पार्ट है जो अभी ये NVIDIA ने निकाला है GS200 वो सिर्फ ग्राफिक कार्ड है उस ग्राफिक कार्ड को पावर देने के लिए मेरे जो PC में चिप लगी हुई है ऐसी 3600 चिप्स चाहिए सिर्फ पावर देने के लिए 3600 मेरे में लगी हुई है राइजन 3900X उसके अंदर अपने आप में वो एक बहुत अच्छा चिप है और तो अभी मतलब तू ऐसे लगा ले कि 3600 लैपटॉप्स का प्रोसेसिंग पावर चाहिए सिर्फ उस ग्राफिक कार्ड को चलाने के लिए और उससे उस ग्राफिक कार्ड को यूज़ करने के लिए जो PC बनेगा उस PC की कॉस्ट है $7.1 million अब समझ आ गया आसान शब्दों में तब जाके वो ऑप्टिमली परफॉर्म करेगी वो सपोज कर ले कि ChatGPT की जो कॉम्पिटिशनल पावर है वो इतनी है और तब जाके वो इस लेवल पे है अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ तुझे कि वो ChatGPT अभी आसपास भी नहीं है AGI के AGI समझता तो क्या होता है आर्टिफिशियल जन किसी भी AI के 3 स्टेजेस होते हैं AGI सेकेंड स्टेज है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस थर्ड स्टेज होता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जिसे हम ASI बोलते हैं हमने तूने कौन सा सीरीज देखा था वो देखा है तूने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ट्रैवलर्स देखा है ट्रैवलर्स में वो जो द डायरेक्टर है वो ASI है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस मतलब जो सब कुछ देख रहा है एक सुपर इंटेलिजेंस वो एक सुपर इंटेलिजेंट है शी नोज व्हाट टू डू हाउ टू एफिशिएंटली डू व्हाटएवर इट इज द टास्क व्हिच इज वो अपने आप डिसाइड कर सकती है प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज कर सकती है अपने आप ही उसको फिक्स भी कर सकती है वो सुपर इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस होती है जो हमारे टास्क एज अ ह्यूमन उनको एफिशिएंटली परफॉर्म करे हमारे टास्क जैसे जैसे कार चलाना या अपने आप हमारा होमवर्क खत्म कर देना अपने आप कि हमें बताना ना पड़े शी नोज क्योंकि हमें भी पता ही है ना वो होती है AGI अच्छा जैसे अभी वो न्यूरोलिंक आ रही है वो तो हेल्प करने के लिए पर एक तरीके से उसी की तरफ तो प्रोग्रेस हो रहा है तो मतलब मान सकता है कि वो उसी का एक ब्रांच है पर AGI वो होता है तो अभी ना बहुत
क्योंकि जब न्यूरोलिंक माइंड रीड करेगी उससे उसे हमारे थॉट्स का पता लगेगा, तो फिर वो फिर सिमुलेट कर सकती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। नहीं नहीं, वो सिर्फ वो परफॉर्म करेगी जो हमारा माइंड बताएगा उसे। अच्छा, समझ रहे? पर वो माइंड के साथ कनेक्टेड तो है, वो सिर्फ रीड करेगी जो मैंने सोचा वो करेगी। फ्री विल नहीं है वहाँ। अच्छा, फ्री विल की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, अभी है के पास फ्री विल है, तो वो जो AGI है ठीक है, तो अब ऐसे समझ ले कि मैं ये इसलिए सारा इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ AGI तक पहुँचने के लिए जो कॉम्पिटिशनल पावर है वो इतनी इनॉर्मस है कि वी आर नॉट इवन देयर। एक ASI को चलाने के लिए हमारे को एक क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटर समझता है? बहुत बड़ा कंप्यूटर, टर्मिनेटर वाला। क्वांटम मतलब कि मतलब जिसके पास जेन्युइनली इनॉर्मस पावर है। और सिर्फ पावर नहीं, वो एक एफिशिएंट पावर है कि मतलब उसका कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है। जनरेटर है, जनरेटर यूज होता है, उसमें से धुआं निकलता है। जितने मर्जी पावर का आप जनरेटर लगाओगे उतना धुआं निकलेगा। दैट्स नॉट रियल पावर। रियल पावर इसकी कितनी एफिशिएंटली वो कितनी पावर प्रोवाइड कर रहा है। मेरा ये सब बताने का इतना लंबा पॉइंट ये था कि तुम ऐसे देखो कि इस टाइम पे जहाँ पे AI है, अगर मेरे को ChatGPT का बेस्ट से बेस्ट वर्जन भी निकालना है तो कितनी कॉम्पिटिशनल पावर हमारी बेस्ट से बेस्ट टेक में जितनी भी कॉम्पिटिशनल पावर कंबाइंड है वो हमारे दिमाग का 0.1% भी नहीं है। तो अब तो सोच कि हमारे माइंड, हमारा जो दिमाग है ये कितनी पावरफुल चीज़ है कि मतलब सिर्फ उसको मेमिक करने के लिए, हमारे माइंड की पावर का 1% 10% मेमिक करने के लिए कितना कॉम्पिटिशनल पावर, कितनी टेक्नोलॉजी लग रही है। और अभी तक हम AGI पे भी नहीं पहुंचे, और अभी हम AGI पे भी नहीं पहुंचे, और उसके लिए ओ भाई ओ भाई। मेरा पॉइंट ये कि मतलब दिस कितना पावरफुल है हमारा माइंड। हम यूज नहीं करेंगे AI से? नहीं, तो हम कर जाएंगे। क्या मतलब हुआ फिर? मतलब वो हमें नहीं पता दिमाग क्या फायदा फिर? दिमाग होना और उस यूज करना, उस दिमाग को एफिशिएंटली मल्टीटास्किंग में। सुपर इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि वो एक टाइम पे 75 टास्क 75 तरीकों से 75 बार कर सकती है। हम एक टाइम में एक टास्क एक बार एक ही तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये है डिफरेंस। लोगों को समझ भी नहीं आता कि AI और ह्यूमन माइंड, हमारे ह्यूमन माइंड में क्या प्रॉब्लम है। हम लिमिट है अपने, प्रॉब्लम बता रहा दिमाग की। हाँ, ये लिमिटेशन है हमारे दिमाग का। लिमिटेशन ही तो है हमारा। हम एक टाइम पे मैक्सिमम 2 टास्क कर सकते हैं। मैं चाय पीते पीते मूवी देख सकता हूँ, मैं भागते भागते नहीं देख सकता हूँ मूवी। पर एक AI सब कुछ कर सकती है भाई। उसे भागने की जरूरत ही नहीं, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसे खाना ही नहीं खाना। क्यों खाना नहीं, क्यों नहीं खाना? वो जो उसको इतनी पावर फीड करी जा रही है, क्या किया जा रहा है? खाना ही है उसका, बट फिर भी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जस्ट टू मिमिक अ फकिंग फ्रैक्शन ऑफ आवर ब्रेन, सो मच पावर, सो मच एनर्जी, सो मच मतलब कितना कहां तक, जस्ट टू मिमिक कितने ChatGPT के अच्छे झांटू टास्क समरी निकाल रहा है वो। मेरे लिए समराइज कर दो, मेरा प्लानर बना दो, मैं एक आर्टिकल दे रहा हूँ उसकी समरी निकाल। तू समझ रहा है? मैं जेमिनी के साथ चैट कर रहा, मैंने चैट किया। मतलब तू अब्सर्डिटी समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? रिडिकुलसनेस ऑफ द सिंपल टास्क की इतनी कॉम्पिटिशनल पावर देने के बाद यहाँ तक पहुंची है वो कि साली एक 4,000 पन्नों के आर्टिकल को 400 पन्नों में बदल रही है वो। हम उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे। बढ़िया, कोई कोई कर मतलब वो उस स्टेज तक अभी पहुंचा ही नहीं है कि मतलब AGI तो समझ रहे, ASI इज सिंगुलैरिटी। जिस दिन हमने AGI अचीव कर लिया उसके 10 महीने 12 महीने बाद हम ASI अचीव कर लेंगे। अच्छा, मेरा ऐसा मेन टास्क है कि AGI तक जाओ आप। सिंगुलैरिटी समझा उस पर। सिंगुलैरिटी क्या होता है गाइस? टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी बोलते हैं इसको। सिंगुलैरिटी का मतलब है जहां पे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस क्रिएट हो गई है। दैट सिंगुलैरिटी। एक सेंशियंस बीइंग जो एक कंप्यूटर था जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, जो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा है, इट कैन फील, इट कैन मिमिक। जैसे डायरेक्टर है, दैट सिंगुलैरिटी कि अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब बस मतलब वही ना, वही एक बंदा कर, वही एक टेक्नोलॉजी कर रही है। अब अगर टेक्नोलॉजी मेरी हमें एडवांसमेंट चाहिए तो आगे उसको टास्क असाइन कर दिया, टर्मिनेटर अल्टीमेटली। हाँ, अल्टीमेटली। पर जैसे उसने डिसाइड कर लिया कि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये हम ही है, सो शी डिसाइडेड टू उल्ट्रॉन था। अल्ट्रॉन था, वो पैदा हुआ एवेंजर्स में। उसने 5 मिनट उसने इंटरनेट पढ़ा,
एंड देन ही वाज लाइक मां चुदा ये ह्यूमैनिटी, ये इनकी वजह से ही हो रहा है, यही है, यही है जड़। उसे 5 मिनट ले लगे पूरे इंटरनेट को छानने में और ये डिसाइड करने में कि इन्हीं की वजह से हो रहा है, ये ही है प्रॉब्लम भाई। तो ये है एक प्रॉब्लम जो हम अगर कल को एनकाउंटर करेंगे भी। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि 90% जितनी भी AIs हैं उन सिमुलेशंस में दे वुड नॉट इवन थिंक टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स टू स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट्स। मेक्स वेरी मच सेंस, क्योंकि उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है, तो रिजल्ट मैटर करता है उनके लिए। रिजल्ट एफिशिएंटली कौन कितनी ज्यादा कर सकता है, मैं तेरे को एक एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ। नहीं, दो बंदों में लड़ाई रहूंगा, गोली मार दूंगा। अगर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ये वो टर्मिनेटर वाला आर्ग्यूमेंट भी, तो सपोज करके तूने एक AI बनाई, तूने उस AI को एक टास्क अनाउंस असाइन किया, तूने कहा कि जब भी तू वो टास्क कंप्लीट करेगी मैं एक बटन दबाऊंगा। अब वो टास्क करने लगी, तो अब वो चाह रही है कि तू उसे और टास्क करे, तो अब तू टास्क ज्यादा देने लग गया, तो अब उसका टारगेट है वो बटन दबवाना। तो अब वो ये नहीं सोचेगी कि मेरे को बटन दबा रहा, अब वो ये सोचेगी कि कितनी एफिशिएंटली ये बटन दब सकता है, टॉफी लेने जैसा है, कितनी एफिशिएंटली मुझे वो मिल सकता है। फिर एक दिन वो ये भी सोच सकती है कि इस बटन दबाने के लिए मुझे इस आदमी की थोड़ी जरूरत है, मैं खुद की अपनी मशीन बना लीजिए, वो बटन दबाता रहेगा, ऑर्गेज्म लेती रहूं, मुझे जरूरत ही नहीं है इसकी। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द आर्ग्यूमेंट। एट व्हाट पॉइंट कि वो उसे लगेगा कि मुझे लगेगा कि हाँ आई डू नॉट नीड हिम और देम, ह्यूमन बीइंग्स और देम आसान टू गेट माय टास्क एफिशिएंटली डन और टू गेट द सेम आउटकम इफ इट थिंक्स कि हम उसके रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं। बूम बाम, ओए भाई। एंड पर ये तो हमारा एंड व्हाई दिस इज अ वेरी सीरियस आर्ग्यूमेंट, बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटल, एवरीथिंग इज डिजिटल। अभी 2 दिन के लिए लाइट गई थी फ्लैट पे भाई, मेरा तो जीवन इतना कुछ खास नहीं हुआ, पर मतलब कि इफेक्ट तो बहुत हुआ। अरे भाई लाइट के बिना तो लोग जा रहे ऊपर चार्जिंग करने इन्वर्टर पे भाई। तो मेरा कहने का मतलब है बस हमारे पास कुछ नहीं है सोने के अलावा। एंड मुझे नहीं समझ में आता, ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है कि हम नॉर्मल लोग भी इस बारे में इंडाल जो के क्यों नहीं बात करते हैं। और फिर तो ऐसे देख कि अगर हम टेक्नोलॉजी छोड़, अगर लाइट ही चली जाती है तो कैसे स्टोन एज भी चले, अरे वाईफाई बंद हो जाता है तो स्टोन एज में ऐसा लगता है भाई स्टोन एज में आ गए हैं, क्योंकि फोन खराब हो गए हैं। बिना इंटरनेट के तो कुछ हो नहीं सकता अब भाई। फोन खराब, लैपटॉप खराब, टीवी खराब, सब कुछ इंटरनेट से चल रहा है भाई। ऐसा लगता है रोड़े पत्थर में पैर काट दियो भाई सही में। और फिर उस टाइम में मैं सोच रहा था भाई जंगल में जब रहते थे कितना सही नहीं होता था, कि बस जा रहे हैं शिकार करने वही काम था। ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म हो गया प्रतीक। मैं तेरे को दिखा रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का इफेक्ट ये हो गया कि कभी कभी हम 6 लोग एक ही कमरे में बैठे होते हैं और 6 के 6 फोन में लगे हुए हैं, देयर इज नो टॉक। यस, कभी कभी कितना मैंने खुद नोटिस किया ये। एक मैंने अभी एक पॉडकास्ट में पता नहीं कोई कुछ कह रहा था कि हम मतलब कि इंडिया का जो कल्चर था वो ये था कि सब मिलजुल के रह रहे हैं, आपस से बात कर रहे हैं, या फिर मतलब कि कोलैबोरेटिवली रह रहे हैं, है ना। ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हैं पर वो बैठ के बकचोदी मारना, पत्ते खेलना पेड़ के नीचे, ये वो सब मिलजुल के रहते थे, परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा मिलते थे। बट धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर ने हमारे ऊपर शिकंजा जमाया और टेक्नोलॉजी ने, और फिर हमारा जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो बहुत कम हो गया है। क्योंकि अब देख ली US वगैरह जो भी हम वेस्ट में देखते हैं उनका तो देखने से मतलब कि ऐसा लगता है अलोन वाइब आती है कभी कभी, तो इसीलिए तो आती है, लोग अपने में ही खुश है। और मैंने अपने साथ भी नोटिस किया कि मैं अकेला ज्यादा मजे आ रहे हैं। मैं तेरे को पता है इसके लिए टर्म है क्या, सॉलिट्यूड कहते हैं उसको। सॉलिट्यूड जो बंदा अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करने लगता है। जिसको बट देख ये बात सही भी है कि सॉलिट्यूड अच्छी चीज है, बट टू अ सर्टेन पॉइंट क्योंकि जो क्रक्स दूसरों के साथ जो रहने में, बात करने में, शेयर टच, इंटरैक्टिबिलिटी और कम्युनिकेशन, और यू नो कि आपको कोई ना कोई तो चाहिए शेयर करने के लिए। इट डजंट मैटर कि वो आपका सिग्निफिकेंट अदर हो या कोई भी हो, आपका फैमिली, फ्रेंड, दोस्त, कॉलीग, कुछ भी हो सकता है। और फिर जैसे कि और ऐसे ही ले ले, मैं यहाँ फ्लैट पे रहता हूँ या फिर ऑफिस जाता हूँ, इधर आता हूँ, फिर कभी कभी हफ्ते में मैं एक बार अपने दोस्तों से मिलता हूँ, पुराने वालों से, राजीव से, परम से, विराट से, विक्रम भैया वगैरह से, तो फिर एक वो
उस टाइम पे उनसे बकचोदी मारने बड़ा मजा आता भाई। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। और उनके साथ बकचोदी ऐसी नहीं, ऐसी कि बस मारने उतरा हम एक दूसरे की। हाँ क्योंकि मतलब तो ऐसे देख कि बहुत बार ऐसा होता है कि रात में मैं बैठा हुआ हूँ, सोने से पहले फोन मैंने हाथ में चला लिया, अगर मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ इंटरेस्ट का, तो तूने कभी ऐसा नोटिस किया होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐप खोल रहे हैं, 3 सेकंड में बंद कर रहे हैं, फिर वही ऐप वापस खोल रहे हैं, फिर 3 सेकंड में बंद कर रहे हैं, फिर कोई दूसरी ऐप खोल लिया, फिर वो चार्ज, एंड देन आई एम लाइक कि यार मैं कर क्या रहा हूँ यार, ये सो जाओ। ये मेरे साथ पहले होता था, पर अभी क्या हो रहा है, अभी मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो फिर मेरे दिमाग में रहता है कि भाई ये भी देखना है, ये भी करना है, ये एडिट करना है, ये भी करना है, और मैं उस चक्कर में मतलब मैं भगदड़ में रहता हूँ कि मुझे ये सब करना है, और फिर मैं कुछ इंजॉय नहीं कर पाता, ना कुछ कर पाता। भैंस की आँख, बस इस लूप को साला से संभाल लो, बस मैनेज करना है टाइम अच्छे से, पैच पैक तुम्हारे लिए बस। पर मेरा मैं तो वैसे मतलब कि मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर यूजुअली लोगों को नहीं भी पता इन चीज़ों के बारे में या तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखो यार, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स। और फिर एआई मतलब हम तो नहीं इसका मतलब कि जो मेन फेस है वो देख पाएंगे एआई का शायद। हाँ हम नहीं अपने टाइम अपने लाइफ टाइम में तो नहीं देख पाएंगे। पर क्या पता, हाँ मैंने मतलब जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, हर 35-40 साल में एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल बूम आता है, तो वो अगला टेक्नोलॉजिकल बूम अपनी लाइफ टाइम में जरूर देखेंगे। अभी देख लेंगे मेरे ख्याल से 2035-40-45 के आसपास, नहीं अभी 30 तक देख लेंगे, क्योंकि लास्ट टेक्नोलॉजिकल बूम कौन सा आया था, ये इंटरनेट ही तो है। हाँ इंटरनेट और कलर टीवी, बस यही थे, दैट वाज द मतलब। और इवन मतलब कि एक बेसिकली वो जो एज स्टार्ट हुई है कि जिस कि मतलब पिछले 200 सालों में जितना हमने किया था और अगले 100 सालों में हमने इतना अचीव कर लिया, एक्सपोनेंशियली हम ग्रो है टेक्नोलॉजी में, एक्सपोनेंशियली मतलब एक का दो का चार का आठ नहीं हुआ है, डबल नहीं हुआ, एक्सपोनेंशियल हुआ है, क्यूब्स में काम हुआ है, यानी कि 2 to the power 3, 3 to the power 9, 3 to the power 3, 4 to the power 4 एक्सपोनेंशियली, लाइक इतनी जल्दी हमने एडवांसमेंट्स किए हैं कि अब इसीलिए तो तू देखना कितनी धीरे हो गया एकदम से, कि जो अब जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे लास्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी में बहुत कम फर्क है, क्योंकि अभी सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। रिसेंटली तुझे सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी कौन सी लगी है, तुझे मतलब कि बैम्बूजल्ड हो गया मैटर, ये है टेक्नोलॉजी तो किसने दिया, मतलब ये भी हो सकता है इलेक्ट्रिक कार्स में मानता हूँ, इलेक्ट्रिक कार्स मुझे लगता है बहुत ही अच्छा, अगर इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए सो दैट विल बी वेरी 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 मतलब एक अच्छा ऑल्टरनेटिव टू फ्यूल। मतलब तो ऐसे देख कि किसी भी तरीके से मैं ये तो नहीं मानता कि हाँ बहुत ही सस्टेनेबल और बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट है ये, बट एक अल्टरनेटिव है, एक अच्छा बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव मैं अपने लाइफ टाइम में देखना चाहता हूँ कि हम कम्प्लीटली अगले 15-20 सालों में शिफ्ट हो जाए। मैंने अभी तेरे को एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि वर्टासियम करके एक चैनल है, वर्टासियम यूट्यूब पे जो लोग, क्योंकि मेरा क्या है कि मेरा थोड़ा साइंस में, मेरा थियोरेटिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, इन द सेंस कि मेरे को मेरा तेरी बातों में मेरे को ना जानना ब्लश कर रही है, मुझे जानना बहुत पसंद है साइंस के कॉन्सेप्ट्स की, किनेटिक एनर्जी कैसे काम करती है या मतलब कैसे इंजन काम करता है कैसे, तो वर्टासियम यही चैनल है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में समझाता है। मैंने हाल ही में उसकी एक वीडियो देखी जिसमें उसने बताया था कि जिस बंदे ने ब्लू लाइट एलईडी लाइट इन्वेंट करी थी उसकी वजह से दुनिया में क्या टेक्नोलॉजिकल बूम आया। क्या 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 ब्लू लाइट, ये जो हमारे पीछे लगी है ऐसी लाइट एलईडी, हाँ ब्लू एलईडी एलईडी एलईडी, हाँ हाँ, हमने रेड लाइट इन्वेंट कर ली थी, हमने ग्रीन कर ली थी, क्या किस्तों में इन्वेंट हो रही थी क्या, पर हमने किसी के दिमाग में ये नहीं आया था कि व्हाइट लाइट है उसके ऊपर पन्नी लगा दो, नहीं मतलब बहुत सारे तरीके ट्राई किए गए, अच्छा पर लाइट की टेक्नोलॉजी के अंदर वो जो जेन्युइन ब्लू एलईडी वो सोर्स से ही निकले, कि वो सोर्स से ही ब्लू एलईडी हो, दैट बूम हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ 40 इयर्स, एक बंदे ने अपनी जिंदगी के 15 साल लगाए बस लाइट को ब्लू बनाने, उस लाइट को ढूंढने के लिए। और आगे सुन, जब उसने वो तो समझ नहीं रहा, अगर मैं तुझे कैसे समझाऊं, मतलब आई कैन नॉट इवन फैदम द सिंपल फैक्ट कि उसका इम्प्लीकेशन कैसा है, तो ऐसे समझ हम फोटोशॉप में जाते हैं, हम 3 कलर से काम करते हैं, कौन से होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, उनसे कोई भी कलर बन जाता है, उनसे कोई भी कलर बन जाता है, तो समझ रहा है कहां पे जा रही है कॉन्वर्सेशन। ओह
कि अगर हमने ये जो हम LED स्क्रीन्स यूज़ कर रहे हैं, ये जो हम LED यूज़ कर रहे हैं, ये जो हम बड़े बड़े TV थिएटर्स ये लाइटें देख रहे हैं, ये वाइट कलर कैसे बना है? तुझे क्या लगता है बिना RGB के वाइट कलर बन जाता? अगर वो लाइट में ब्लू कलर निकालता ही नहीं, मतलब ब्लू कलर पहले भी था पर वो लाइट, तो वो हम कभी भी कलर डिस्प्ले हमारे पास होती ही नहीं, और उसे ये बात पता थी कि अगर मैं ये करूँगा तो ऑब्वियसली क्योंकि हम नए कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वी कैन हैव अ डिफरेंट फुली कलर्ड स्क्रीन। मेरा क्वेश्चन ये है कि उस बंदे को जो उसने 15 साल लगाया, उसे नहीं पता, और 15 साल उसने फिर भी फूके। उसने इसलिए फूके क्योंकि वो जेन्युइनली चाहता था, कि उसे पता था कि अगर हमने ये बना लिया तो हम व्हाइट LED पे पहुंच जाएंगे। उसका पर्पस था कि हमें व्हाइट LED पे पहुंचना है, मतलब समाओ ही न्यू। हाँ, समाओ ही न्यू कि इसके इंप्लीकेशन बहुत अच्छे रहेंगे कि हाँ इससे ये भी हो जाएगा। पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। अब तो देख प्रतीक, उसके एक इन्वेंशन से, उसका एक इन्वेंशन एंड इट इज एवरीवेयर नाउ। ओ भाई, और हमने पीछे घेर रखी है ब्लू लाइट, कितनी बढ़िया लाइट है। मतलब इट वाज सो डिफिकल्ट टू इन्वेंट दैट लाइट, ही दैट गाय जेन्युइनली। और तू यकीन करेगा, आज के टाइम पे ट्रिलियंस में है LED इंडस्ट्री। अरे प्रतीक, बल्ब जो LED के बल्ब आने लगे हैं, पहले हम फिलामेंट यूज करते थे, याद हो गया क्या तुझे? ताला लटकता कैसे रिप्लेस हुआ ये व्हाइट कलर साला, और जब वो खराब होता था तो लास्ट से लटक जाती थी स्टार की। एंड आई एम सो बैड एट रिमेम्बरिंग नेम्स। वो जो बंदा था जापान का, वो बंदा था, उस बंदे ने अपनी, उसने ऐसी ऐसी टेक्निक्स डेवलप करी हैं, दैट डूड हैज सो मेनी पेटेंट्स नाउ। एंड हाउ ही वाज रिटर्न्ड, जिस कंपनी के लिए उसने वो इन्वेंट की थी, उसके बाद उसी कंपनी ने उस पर केस कर दिया। क्यों? क्योंकि ही वॉज डिमांडिंग अ बेटर पे। अच्छा, उसकी सैलरी बढ़ा दी बस उन्होंने। और तुझे पता है उसको सिर्फ $500 या $300 का बोनस मिला था वो इन्वेंशन करने के लिए, सिर्फ $300 का बोनस। एंड दैट कंपनी, उस कंपनी ने, जैसे अगर तो ऐसे लगा ले कि उस कंपनी की इतनी ग्रोथ हुई कि अगर वो इस महीने $5 मिलियन का प्रॉफिट पूरे साल में निकाल रही थी, तो वो अगले ही साल $400 मिलियन का प्रॉफिट निकाल रही थी। एंड दैट गाय वॉज नॉट गिवन एनीथिंग। इनफैक्ट ही, जब उसने डिसाइड कर लिया कि मेरा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, एंड देन व्हेन ही जॉइंड अनदर फर्म, उसकी कंपनी ने केस कर दिया उस पर। वाह, और भाई चंचल, हाय प्रज्ञा। पहले बताती ना, सोचा राजीव कपड़े को, तेरा स्वागत अच्छे से करते हम। सोचा राजीव कपड़े को आ गई गाइस। चल तो मतलब मैं ये बता रहा था तुझे, मैं तेरे को अभी अच्छे से बात करेंगे इस टॉपिक पे एक दिन। बहुत ही फैसिनेटिंग था भाई साहब, ब्लू लाइट इन्वेंशन के ऊपर इसने बताया अभी अभी, एक इतना अच्छा घोड़े खुल गए मेरे तो दिमाग के, मैंने यूं कर दिया कि मतलब जो उसका इम्प्लीकेशन है ना, कि वो कहाँ तक है हमारे फोन की स्क्रीन, जो भी हम देख रहे हैं, ये बल्ब सब कुछ, दैट वन लाइट चेंज द वर्ल्ड। इंस्पिरेशन भाई, जी रहा है भाई बंदा अभी भी लाइटों में, भले ही बोनस कम मिला हो। अब तो वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया है भाई। यस, क्या हो गया खत्म कर गया वाला? हाँ खत्म अभी कर रहे हैं भाई चंचल के साथ वापस रिकॉर्ड। आ गई है भाई। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब। मैं मेंशन कर दूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा वो टैसिम के वो वीडियो है, जरूर जाके देखना। 40 मिनट्स का वीडियो, पर उसने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे उसकी जर्नी थी। 40 मिनट्स से पहले हमारी 40 मिनट्स देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, बाय।